इम्पोर्टेंट है कि पुलिस में हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं तो ये तो रिकवर हो जा रहा है, कोई घटना एक नहीं हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। एक सोसरा एरिया में थाना प्रभारी को सूचना मिली थी लोगानी में लोडेड हथियार और गोली के साथ है, तो उसने सुनील पासवान को लोडेड हथियार और गोली के साथ ये तो इम्पोर्टेंट है। अभी आ रहे हैं अरेस्टिंग हुई है क्या मामला 27/9/2021 को खंडक पर एक साइबर कैफे के मालिक जो रात में 8:30 बजे अपना साइबर कैफे बंद करके जा रहे थे तो उनको कुछ अपराध कर्मियों ने अपने कब्जे में लेकर 4-पहिया वाहन से उनका अपहरण किया गया, फिर अज्ञात स्थान पर ले जाकर उनके पास से 1.5 लाख रुपये कैश और ऑनलाइन ATM से उनके खाते से 90,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लिया गया। फिर उन्हें मारपीट कर 2-2.5 घंटे अपने कब्जे में जान माल का भय दिखाते हुए उनको रखा गया और फिर उन्हें मुक्त कराया गया। उनके आवेदन के आधार पर बिहार थाना में कान दर्ज कराई गई थी। इस घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया, एक विशेष टीम का गठन कर इस घटना एवं इस प्रकार के अन्य कुछ घटना लहरी थाना एवं बिहार थाना में पूर्व में भी कांड दर्ज हुए थे, उनके उद्भेदन और गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया था जिसमें थाना अध्यक्ष बिहार लहरी जिला सूचना इकाई के भी पदाधिकारी कर्मी शामिल थे। इसी क्रम में इस अपराध शैली वाले अपराधकर्मी पुनः जो अपराध करने की योजना बनाने हेतु जमा हुए थे मुरारा के पास, तत्क्षण पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई की गई जिसमें कुल पहले 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई, लोडेड 3 देसी पिस्तौल एवं 5 जिंदा गोली के साथ। फिर जो घटना में जो उपयोग किए गए I-20 4-व्हीलर हैं, 3 जो है बाइक है, कई ATM कार्ड्स हैं, उसकी बरामदगी हुई। अग्रिम अनुसंधान में जो वादी के खाते से जो पैसा जो ट्रांसफ़र किया गया था ऋषिकेश राज उर्फ आर्यन के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया था 90,000 रुपया, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इस अपराध शैली में अन्य जो अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आई है जिसकी गिरफ्तारी हेतु हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों के पास से हथियार एवं घटना में प्रयुक्त वाहन की भी बरामदगी हुई है। अन्य अभियुक्त के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, विशेषकर अनुसंधान में जो इन लोगों के पास से मोबाइल इत्यादि की जो बरामदगी हुई है, यह अपराधकर्मी फायरिंग इत्यादि की भी घटनाएं करते हैं, इनके मोबाइल में रिकॉर्ड है और इसमें जो शामिल अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष सोसराय के द्वारा कार्रवाई की